दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत को अन्य सभी एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से साल के सारे एकादशी व्रतों को करने का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस साल अर्थात 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून शुक्रवार को और 11 जून शनिवार को दोनों दिन किया जाएगा। 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत जितने भी गृहस्थ लोग हैं वो करेंगे, वहीं 11 जून को निर्जला एकादशी का व्रत जो है वैष्णव लोगों के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जून को सुबह के 7:25 से और रहेगी 11 जून के सुबह के 5:45 तक। वहीं 10 जून को जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे वो 11 जून को व्रत का पारण करेंगे और पारण का शुभ मुहूर्त होगा 11 जून शनिवार को दोपहर के 1:44 से शाम के 4:32 तक। वहीं इस दिन हरिवासर समाप्त होगा दोपहर के 11:09 पर। और जो लोग 11 जून शनिवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे वो व्रत का पारण करेंगे 12 जून रविवार के दिन और पारण का शुभ मुहूर्त होगा 12 जून रविवार को सुबह के 5:23 से सुबह के 8:10 तक। और 12 जून को द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। निर्जला एकादशी के व्रत को अन्य सभी एकादशियों के व्रत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत अन्य सभी एकादशियों के व्रत में कठिन होता है, क्योंकि इसमें आहार के साथ साथ पानी का भी त्याग करना पड़ता है। भारी गर्मी में आने वाले इस एकादशी में बिना जल के रहना पड़ता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तो निर्जला एकादशी में किए गए उपाय भी बहुत शीघ्र फल देने वाले होते हैं। अगर आप इस कठिन एकादशी व्रत को नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे बताए गए इन उपायों में से कोई भी एक उपाय जरूर करिए, या आप एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन पानी के दान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। इतनी गर्मी है, लोग गर्मी से परेशान हैं, पक्षी जंतु सभी गर्मी से परेशान हैं। इसमें अगर आप उनको पानी पिलाते हैं तो इसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है और आपके जीवन की सारी परेशानियों का नाश होता है। तो दोस्तों, आपको पानी का दान कैसे करना है? आप इस दिन मंदिर में पानी से भरा जल पात्र या पानी का मटका रखवा सकते हैं। रोड के किनारे जहाँ से लोग आते जाते हैं, गर्मी से परेशान रहते हैं, आप पानी से भरे मटके और ग्लास वहां पर रख दीजिए। जो भी है वो अपना पानी उससे निकाल के पी सकता है। या फिर आप शरबत का दान रोड के किनारे जहाँ से लोग परेशान गर्मी से आते जाते हैं, आप प्यासे लोगों को शरबत पिलाइए। या फिर आप अपने घर के छत पर एक जल पात्र पक्षियों के लिए रख दीजिए। पानी का दान इस दिन ज़रूर करिए। ये बहुत ही आसान सा उपाय है जिसका कि बहुत ही विशेष महत्व है, बहुत ही विशेष फल मिलता है। साथ ही दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए इस दिन आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। करना क्या है कि आपको निर्जला एकादशी के दिन रात्रि में विष्णु जी के सामने 9 बत्तियों का एक दीपक आपको जलाना है और आपको एक दीपक ऐसा जलाना है जो कि रात भर जलता रहे। इस दीपक को आपको गाय के देसी शुद्ध घी से जलाना है। साथ ही दीपक जलाने से पहले आपको श्री भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की विधि विधान से आपको पूजा करनी है, पंचोपचार से पूजा करनी है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है और ये एक ऐसा आसान सा उपाय है कि अगर आप वर्किंग हैं, आपको सुबह में समय नहीं मिलता, या अगर आप व्रत नहीं कर सकते, आपके पास समय कम है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय शाम के समय करना होता है और इसमें बहुत ही कम समय लगता है। तो आपको करना क्या है कि शाम के समय साफ स्वच्छ कपड़े पहने, स्नान आदि करके साफ स्वच्छ कपड़े पहने और आपको तुलसी की विधि पूर्वक पूजा करनी
करनी है, तुलसी के पौधे की आपको विधि पूर्वक पूजा करनी है, आपको धूप दीप दिखाना है, प्रसाद चढ़ाना है और साथ ही तुलसी के सामने आपको एक गाय के देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करनी है और आपको परिक्रमा करते हुए ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करना है, अर्थात आप मंत्र बोलते जाइए और परिक्रमा करते जाइए। इस प्रकार आपको 11 बार परिक्रमा करनी है और माँ तुलसी से, भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करनी है कि वो आपके सारे संकट दूर करें, आप पे अपनी कृपा बनाए रखें, अगर कोई गलती हो, अपराध हो तो उसके लिए क्षमा करें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से घर में सुख शांति और संपन्नता का वास होता है, साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है क्योंकि उनको तुलसी अति प्रिय है। साथ ही दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो निर्जला एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें, तुलसी की पूजा ज़रूर करें, श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप आप तुलसी की माला से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे उपाय और पूजा करके अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप उनकी पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग ज़रूर करें, भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर अर्पित करें। अगर आप मंत्रों का जप कर रहे हैं तो तुलसी की माला से मंत्रों का जप करें, भगवान को जो पुष्प चंदन और प्रसाद आप अर्पित करें वो पीले रंग का हो, इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। साथ ही पूजा के पश्चात भगवान से और माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें, अपनी मनोकामना भगवान से ज़रूर कहें, इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इन छोटी छोटी उपायों को ज़रूर करेंगे जिससे कि आपके जीवन में और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।